नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अरुण गाजीपुरिया के चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप हाई स्पीड में कार चलाते हैं तो उसे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, किन किन बातों का आप अगर ध्यान रखते हैं तो आप हाई स्पीड में भी अपनी कार को मतलब अपने कंट्रोल में रखेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नहीं होगी। मतलब क्या होता है ना कि जब आप गांव शहर या कहीं भी चलते हैं और जब खाली रास्ता दिखता है ना, तो आपको मन करता है यार एक बार गाड़ी भगा के देखते हैं कितनी भाग लेगी, जितनी भगा सकते हैं उतनी भगा के देख लेते हैं। तो उसमें आपको ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको ध्यान में रखना होता है। क्या करते हैं लोग कि गाड़ी में कुछ भी नहीं पता है उनको, किसी की मांग के भी ले आए तो सोचेंगे इनको भगा दें, आज इनकी जो टॉप स्पीड है सब टेस्ट कर लें। तो इन सारी चीजों से आपको बचना है। जब आप बिल्कुल बिगनर हो तो ये बिल्कुल ट्राई ना करें। मैं प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ कि कोई भी बिगनर या कोई भी आदमी अपनी गाड़ी की पूरी टॉप स्पीड ट्राई करे कभी भी। अगर आपको कभी कभार ऐसी जरूरत पड़ गई, मान लीजिए कभी जरूरत ही पड़ गई, किसी को हॉस्पिटल ले जाना है या कोई आपका पीछा कर रहा है या कोई भी ऐसी दिक्कत है, तब इस चीज का आप ट्राई कर सकते हैं। बाई चांस जो चीजें होती हैं उनकी बात अलग है, बाकी अगर आप नॉर्मली ऐसे हर बार करना चाहते हैं तो प्लीज यार इससे बचें। इसमें क्या होता है ना, टॉप स्पीड में आप जब चलते हैं या फिर हाई स्पीड में चलते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपको बताते हैं किन किन चीजों का आप अगर ध्यान रखते हैं तो आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो क्या करना है कि अगर आप हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं या टॉप स्पीड आपको टेस्ट करना है, तो सबसे जरूरी बात क्या है कि आपके टायर की लाइफ अच्छी हो। आपका टायर अगर 50% से ज्यादा घिस चुका है तो प्लीज ये ना ट्राई करें। इस समय की जो कंक्रीट वाली रोडें बनती है ना, जो व्हाइट कलर की दिखती है, उस पे अगर आप हाई स्पीड ट्राई कर रहे हैं और आपका टायर बिल्कुल मतलब घिसा पीटा है, तो बिल्कुल 100% चांस है कि आपका टायर ब्लास्ट कर जाएगा, फटने के चांस होते हैं, फिर उसमें ग्रिप नहीं बन पाती है, स्किट होने के चांस होते हैं। तो आपके अगर टायर है 50% से ज्यादा तो आप ये ट्राई करें, बाकी आप ट्राई नहीं कर सकते। उसके अलावा टायर, आपके चारों टायर आप हाई स्पीड में ट्राई करने से पहले आप उनको चेक कर लें, देख लें कहीं फटा तो नहीं है, कहीं ज्यादा बड़ा पंक्चर तो नहीं है, या फिर टायर का प्रेशर मेंटेन है कि नहीं। अगर इस वाले, मान लीजिए फ्रंट के इस वाले टायर में अगर आपका प्रेशर है अच्छा है, इस वाले में अच्छा नहीं है, उसमें अच्छा है उसमें अच्छा नहीं, तो आपके गाड़ी की बैलेंसिंग जो होगी वो नहीं हो पाएगी, बॉडी रोल बहुत ज्यादा होगा तो गाड़ी में एक्सीडेंट होने के फिर चांस आपके बढ़ जाते हैं। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि जब आप हाई स्पीड में चल रहे हैं तो अपने टायर का जो प्रेशर होता है वो लगभग 30 PSI से 35 PSI के बीच में रखें, इससे ज्यादा कम भी ना रखें और इससे ज्यादा भी ना रखें, ताकि गाड़ी आपकी कंट्रोल में रहे, आपके टायर आपके मतलब कंट्रोलिंग में थोड़ी हेल्प करें। तो जो नेक्स्ट बात का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपकी गाड़ी की बैलेंसिंग, जो टायर के बैलेंसिंग होती है ना, उस पर ध्यान रखना। क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए गाड़ी चालू करके और सीधा चलाइए और हैंडल छोड़ दीजिए, देखिए आपकी गाड़ी किधर ज्यादा जा रही है, अगर इधर जा रही है या फिर इधर लेफ्ट राइट किधर भी ज्यादा जा रही है, ज्यादा मतलब मूवमेंट है, तो आप एक बार अपने सर्विस सेंटर पे या किसी मैकेनिक को ले जाइए, दिखाइए अलाइनमेंट की प्रॉब्लम है वो सही करवा लीजिए। इसलिए कि अगर आप हाई स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और आपका अलाइनमेंट सही नहीं है और गाड़ी आपकी इधर लेफ्ट राइट किधर भी भाग रही है, तो एक्सीडेंट होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। तो इस चीज का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इस चीज से बिल्कुल कोई परहेज नहीं करना है। अलाइनमेंट में ज्यादा खर्चा नहीं है तो मुश्किल से 500-1000 के आसपास का खर्चा आता है, और उससे एक चीज और बढ़ जाती है। क्या होता है ना, अगर आपकी गाड़ी इधर को ज्यादा भाग रही है या इधर को भाग रही है, तो उस साइड के जो टायर होते हैं ना, उसको फिर रोड ने चाटना शुरू कर देता है, वो धीरे से घिसने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब इधर वाला ज्यादा तेज नहीं चाटेगा, इधर वाला ज्यादा चाटेगा, तो वो जल्दी खत्म होने मतलब घिसने ज्यादा जल्दी से स्टार्ट हो जाते हैं, तो जल्दी खराब हो जाते हैं टायर। उसके अलावा क्या करना, आप जब हाई स्पीड में चल रहे हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे पकड़ के चला रहे हैं, 140 चल रही है गाड़ी ऐसे चला रहे हैं, कोई यहां पकड़ के चला रहा है, तो अगर इस कंडीशन में आपके सामने कुछ भी आ जाता है, एक पत्थर भी आ जाता है या बकरी आ जाती है, कोई जानवर आ जाता है, तो आप अपनी गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। 100% मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आपसे कंट्रोल नहीं हो पाएगी गाड़ी। उसके लिए क्या करना है, जब भी हाई स्पीड में आप गाड़ी चलाएं तो यार ट्राई करें कि ये जो आपको देखिए एक ग्रिप टाइप का यहां दिया होता है, यहां आप दोनों हाथों से मजबूती से गाड़ी का हैंडल आपकी ग्रिप में अच्छे से हो। इससे क्या होगा कि अगर कोई चीज आता भी है तो आपके अगर दोनों हैंडल पे आपके मतलब हाथ दोनों हैंडल पे हैं, तो आप गाड़ी के अपने हैंडल को आप कंट्रोल कर पाओगे। अगर आपसे एक बार भी ऐसे मिस हुआ और गाड़ी तेज है,
तो आपसे 100% गाड़ी कंट्रोल में नहीं होने वाली है और एक्सीडेंट होना पक्का है। उसके अलावा जब भी आप गाड़ी हाई स्पीड में चलाने का ट्राई करें तो आप सीट बेल्ट लगा लें। और एक बात बताऊं, अगर आप हाई स्पीड वाला टेस्ट कर रहे हैं, टॉप स्पीड वाला टेस्ट कर रहे हैं, तो ट्राई करें यार कि अकेले हो गाड़ी में। आपकी जान अपने जोखिम में डाल रहे हैं, तो आगे कोई पीछे कोई बैठने वाला ना हो, अकेले आप अपनी जान जोखिम में डालें। इससे क्या होगा कि आप अगर बाई चांस नुकसान होता है तो आपको होगा, किसी और को नहीं होगा। तो इस चीज का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या होता है कि लोग फोन यूज करते हैं, मतलब गाड़ी चला रहे हैं तो चलो थोड़ा बात भी कर लें, हाई स्पीड में एक हाथ से गाड़ी चला रहे हैं एक हाथ से बात कर रहे हैं, या फिर चलो यार दोस्त का मैसेज आया उसे रिप्लाई भी कर देना है व्हाट्सएप पे। तो इन सब चीजों से बिल्कुल आप बचें। आपका एक सेकेंड का डिस्ट्रैक्शन, एक सेकेंड से दो सेकेंड का डिस्ट्रैक्शन आपको बिल्कुल बर्बाद कर देगा। तो जान से प्यारी यार कुछ नहीं है, जान को मैसेज घर पे जाके भी कर सकते हैं, या जिसको भी मैसेज करना होगा बाद में भी मैसेज कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हो जाता है दो चार दस मिनट लेट हो जाए तो। यार एक थोड़ी सी फनी सी बात है, लेकिन सच में बताऊं ना, ये होता है 100% लड़कों के साथ, तो 100% होता है चाहे माने या ना माने। मतलब आप गाड़ी स्पीड में चला रहे हैं और सामने से कोई स्कूटी से बाइक से या किसी चीज से लड़की गुजरती है ना, तो एक बार नजर उधर जाती है। तो इस चीज को यार प्लीज आप लोग कंट्रोल करें। मतलब क्या होता है ना, आप एक नजर देखने के चक्कर में आप फिर जिंदगी में कभी वो नजर देख नहीं पाएंगे। तो आप ट्राई करें कि आप पैदल हो या कहीं बैठे हो तो देख लें, बाकी ऐसे जब आप गाड़ी चलाएं तो अपना कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सीधा रखें, अपने एम पे रखें, अपने रोड पे रखें, अपने स्टेयरिंग पे रखें, ब्रेक हैंडलिंग सब कुछ पे रखें, वहां ना रखें, क्योंकि आपका डिस्ट्रैक्शन सब कुछ खत्म कर देगा। तो यार एक बात और आपको बता दूं, अगर आप हाई स्पीड में हैं गाड़ी, तो कभी भी क्लच ना दबा के गाड़ी को बिल्कुल फ्री ना कर दें। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि जब गाड़ी बहुत तेज है तो क्लच दबा देते हैं और गाड़ी बिल्कुल फ्री हो जाती है। जब आपकी गाड़ी फ्री हो जाती है, इंजन का जब आपकी गाड़ी पे कोई कंट्रोल नहीं होता तो आपकी गाड़ी पे आपका भी कंट्रोल नहीं रहता है। तो प्लीज ये चीज ट्राई करें कि आप क्लच दबा के गाड़ी को बिल्कुल फ्री ना कर दें। उसके अलावा क्या होता है कि जब लोग हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, टॉप स्पीड टेस्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वॉल्यूम जो होता है ना गाड़ी के, मतलब सिस्टम का, जो म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम होता है, वो बिल्कुल हाई पे होता है। उससे क्या होता है कि पीछे वाले की आवाज आपको बिल्कुल नहीं आती है। अगर कोई हॉर्न बज रहा है या फिर आपकी गाड़ी में ही कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे बेल्ट टूटने वाला हो आगे जो इंजन में लगा होता है, तो वो जब टूटता है तो आवाज आती है किट 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 किट, तो ये सारी चीजें या कोई भी चीज गाड़ी में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको आवाज नहीं सुनाई देगी, उसके वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप कीचड़ वाले रास्ते पे हैं या सड़क पे, इस समय क्या होता है ना कि अगर किसी सड़क पे अगर मिट्टी वाला जो डंपर होता है ना वो चल रहा है और बारिश हुई है हल्की फुल्की, तो वो बिल्कुल स्टिकी सा हो जाता है, स्लिप वाला हो जाता है। तो उस जगह पे आप ये ट्राई बिल्कुल ना करें, और बरसात के मौसम में टॉप स्पीड टेस्ट ना करें, उसमें आपके गाड़ी की स्किट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, आपकी कंट्रोलिंग खो सकती है और एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ सकता है। सबसे जरूरी चीज़ क्या होता है मैं वो बता देता हूँ, अगर आप टॉप स्पीड ट्राई कर रहे हैं तो ORBM जो होता है ना, कुछ लोगों को मैं देखा हूँ भाई, लगभग सैकड़ों लोगों को देखा हूँ, कितने लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को देखा हूँ, उनका ORBM क्लोज होता है और वो गाड़ी लेके चल रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पीछे से आप हॉर्न दे रहे हैं, आप बीपर दे रहे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, वो चल रहे हैं। इस केस में एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं, जो पीछे वाला बंदा होता है वो इरिटेट होता है कि ये कर क्या रहा है, उसका ORBM खुला ही नहीं। तो आप यार प्लीज ORBM खुला रखें ताकि आपको पीछे वाली जो गाड़ी आ रही है वो प्रॉपर दिखाई दे। अब ये कमेंट सेक्शन में जाके यार मुझे बिल्कुल जरूर ये बताना कि आपने कितने लोगों को आज तक देखा है जो ORBM क्लोज करके चलते हैं। उसके अलावा ORBM आपको सेट करना भी आना चाहिए, जब आप हाई स्पीड में चल रहे हैं तो ORBM अपने अकॉर्डिंग, मतलब जैसे आपका जो सिटिंग पोजीशन है उसके हिसाब से अपना ORBM सेट कर लें, ताकि आपको आगे पीछे सब कुछ दिखता रहे। IRBM जो होता है इसको भी प्रॉपर सेट कर लें, ताकि पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो भी देखे, अगल बगल वाला भी पोर्शन पूरा आपको कवर होना चाहिए। इतनी सेफ्टी का अगर आप ध्यान रख पाते हैं, आप कर पाते हैं, तो हाई स्पीड टेस्ट आप कर सकते हैं। तो यार सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको एक और बता दूं कि रात में कभी भी टॉप स्पीड ड्राइव ना करें,
वो स्पीड जो टेस्ट की जाती है, टॉप स्पीड टेस्ट कर लेते हैं जो कुछ भी, रात में ना करें। क्या होता है कि रात में जब गाड़ियां आती हैं तो उनका फोकस जो होता है आपके आंखों पर पड़ता है, आपका फोकस उनकी आंखों पर पड़ता है, तो इस कंडीशन में विजिबिलिटी ना बिल्कुल कम हो जाती है। आपको उतना ही दूर दिखाई देता है जितना आपके लाइट का थ्रो होता है, मतलब हेडलाइट का आपका जितना थ्रो होता है उतना ही दिखाई देता है, वो भी बहुत अच्छे से तो नहीं दिखाई देता है। तो आप प्लीज यार रात में ये सब चीजें ना ट्राई करें, दिन में आप डे लाइट में आराम से कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और इन जितनी भी सारी सेफ्टियों के बारे में मैंने बात की है, इन सब का ध्यान रखते हैं तो आप ये दिन में ट्राई कर सकते हैं। तो यार कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? अच्छी लगी यार तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी मेरी नई वीडियो पड़े या तो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप उसे देखें और जो कुछ भी मैं बताता हूँ उसे आप सीख सके। और एक चीज मैं बता दूं, आपके जितने भी नए नए फ्रेंड होंगे ना जो अभी बिल्कुल लर्निंग फेज में होंगे, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि उनको पता चले कि हाँ टॉप स्पीड वाला जो टेस्ट होता है वो कितना भयंकर हो सकता है। तो यार